कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण के होने वाले बच्चे ने भी किया था काम। आइए बताएं आपको कैसे। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन अभिनीत और नाग अश्विन द्वारा निर्मित फिल्म कल्कि 2898 एडी इन दिनों सिनेमाघर में लगी हुई है और बहुत ही धमाल मचा रही है। फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज हुई है। देश के अलावा विदेश में भी इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। अगर हम कमाई की बात करें तो अच्छे खासे बजट में तैयार की गई ये फिल्म अब प्रदर्शन काफी अच्छा कर रही है और सुपर हिट होने की कगार पर बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम फिल्म के बारे में एक और खास बात आपको बताएं तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है और सितंबर में बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। दीपिका और रणवीर पहली बार माता पिता बनने वाले हैं और इसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। दीपिका ने प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म की शूटिंग भी की थी और हाल ही में कल्कि 2898 AD की रिलीज हुई है जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने बताया कि जब दीपिका प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने 2 दिन फिल्म की शूटिंग की थी। वहीं सारस्वत चैटर्जी ने कहा कि उस दौरान रणवीर सिंह भी फिल्म के सेट्स पर आया करते थे। दीपिका की प्रेगनेंसी में फिल्म की शूटिंग के बारे में कल्कि 2898 AD में विलेन बने सारस्वत चैटर्जी ने बताया, दीपिका हमेशा ही हंसती रहती थी। फिल्म में एक सीन था जहां पर उनको बाल पकड़कर घसीटना था। ये सीन फिल्म के आखिरी में दिखाया गया है। इसे मुंबई में ही शूट किया गया था क्योंकि उस वक्त दीपिका प्रेग्नेंट थी तो रणवीर सेट पर आया करते थे। वो ऊपर से नीचे तक ऑरेंज कलर के कपड़ों में ही हुआ करते थे। सारस्वत ने रणवीर की तारीफ में कहा कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। फिल्म में एक सीन काफी हिंसक था, ऐसे में मैंने रणवीर से कहा कि आप परेशान मत होइए, ऐसी सीन के लिए हम डबल बॉडी लोग रखते हैं। इस पर रणवीर मुस्कुराए और कहा, मालूम है मुझे दादा, आप मत बताइए, कोई बात नहीं। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने सिर्फ कल्कि 2898 की शूटिंग प्रेगनेंसी में की है बल्कि सिंघम अगेन की शूटिंग भी उन्होंने तभी की है जब वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के लास्ट में वो प्रेग्नेंट थी, उनके आखिरी पिकअप शॉट्स में एक वह सच में प्रेग्नेंट थी। फिल्म में 2 दिन उन्होंने प्रेगनेंसी में काम किया इसलिए आखिरी के 2 दिनों में उनका असल बेबी ने भी फिल्म में काम किया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।